हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। एक्चुअली बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सीधा मेकओवर जो है इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दो। पहले मैंने जब सीधा टेकओवर के ऊपर रिएक्शन दिया, उसके बाद लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सीधा मेकओवर की पहले ऊपर रिक्वेस्ट दो। एंड मतलब हम लोगों ने कृष्णा जो है उनका पहले भी एक सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दे दिया है, वो पहली बार दिया था हम लोगों ने। एंड वो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था एक्चुअली। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग सीधा मेकओवर। और इसका वो सीधा टेक ओवर और ये सीधा मेक ओवर, तो मतलब देख ही रहा है कि डिस्ट्रैक्ट जैसा ही कुछ मामला है यहाँ पर। सो जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट आई है रवि पटोड़े एंड श्रेयस कश्यप, नव स्वैगी, करण सोलंकी, प्रिंस राजेश, आप पांचों की ओर। सो लेट्स बिगन द रिएक्शन ऑन सीधा मेक ओवर बाय कृष्णा। ओके इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरों करने की, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट क्योंकि शायद आदत है तुझे सोलो करने की। मैं भी वे एक सांप के बराबर, मेरा एक गाना तेरे आठ के बराबर, हाइट तेरी छोटी आता नाक के बराबर, पर रैप तेरा लगे मेरे झाट के बराबर, साले आग के बराबर मेरा फ्लो हर बार करूं बर्बाद तेरा पूरा संसार, उसी का ललकार जैसे मैं हूं सरकार, बोलूं तेरे जल बाल पढ़ूं तेरी सलवार, बर्बादी करी मैंने हर बारी, तेरी मन मानी मुझ पे ना गल पारी, कमाया तूने घंटा नहीं बना साला अंबानी, सता नहीं ड्रामा में मैं ना कोई भंसा। ये सीधा गेम ओवर है, करूं मार के चपेट तेरा मेक ओवर है, अपने फैंस को दिए तूने फेक होकर, मैं लंबी पारी का खिलाड़ी छोटे ले ले जाके एक ओवर खोलूं, जब भी खाता तो खत्म करने का फादा, मेरी हार के विचार तेरे सपनों में, गाना लगे सादा कोई ना नाता, अपने लिरिक्स से तो ज्यादा आजकल ध्यान देता तू कपड़ों पे, मालूम है ना मैं तेरे दफन है सारे अरमान, छोड़ूंगा मैं जख्म मेरे भले हाथ बांध, सच्चाई ना है हजम पर मेरी बातों में वजन भूले, चरण धर्म है रैप करम है तापमान, चार फुट सात तेरा नाप, इसलिए मेरे लेवल पे कभी कर ना पाया तू बात, पूरी करूँगा तेरे खोलू सारे राज, तू तो घास में एक सांप छोटे मैं हूँ बागवान। हिप-हॉप तूने संभाला, इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सच बात ये है मी वे हिप-हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हंसते हैं तुझ पे ब्रो, कभी देख फेसबुक पे ब्रो, आजकल टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनी टेल, बोले तुझे फट फट झुकने को, फट फट झुकने को, फट फट टोनी जेम्स फट फट झुकने को, फैक्ट ब्रो ये तो सारे फैक्ट ब्रो, मैं हूं जी मेल तू तो लगे फैक्ट ब्रो, चाटे मार के बुलवाऊं तुझे सॉरी जैसे टोरी लेन से बुलवाया तेरे दोस्त जैक्स को, बैक स्ट्रोक मारू मैं बीट पे टाइम मारू मैं गीत पे, तुझे मालूम तू वीक है सिर्फ गानों पे चीख के, हम सारों के नीचे सिंदूर कब डालोगी तुम बालों के बीच में, पीछे हटने वाला नहीं मुझे दिखता उजाला नहीं, दिल्ली से लेके धारा भी हैंडल तू कर पा रहा नहीं, लगाया मैंने नारा नहीं फिर भी कभी हारा नहीं, देश नहीं निकाला क्योंकि तुमसे लिखा जा रहा नहीं, बोलूं मैं दोबारा नहीं अब लगेगा भंडारा भी, लगे तू हरामी और छोरा है तूने चारा नहीं, पर करूंगा मैं वादा रैप पे जब आता के लगेगा सादा जैसे बेटा ये बालाजी, क्वालिटी बार्स यू जस्ट वांना बी रश, यू वांना बी हार्ड, यू वांना बी एम, यू वांना बी अ स्टार, यू जस्ट वांना बी अ वांना बी, आई वांना बी अ पार्ट, see I've been around baby for this sound, never could rap with the lyrical trap, critical mass and I take off, now he's trying to reply with that typical crap, smack his ass back, got his umbilical wrapped around the chainsaw, don't ever fucking rap in English again, just sit and pretend, while I pillage a village of dance with a militant pen, I am the illest of them, you ain't making no sense, I'm dropping lyrical gems, reply dene ka tujhme dam nahi, vela hai akela time kam nahi, पालतू नहीं मैं हूँ जंगली तू बकरी जो शेर की पहन के घूमे चमड़ी, लाए देने का तुझमें दम नहीं, बेला है अकेला टाइम कम नहीं, पालतू नहीं मैं हूँ जंगली तू बकरी जो शेर की पहन के घूमे चमड़ी। बजाएंगे ये वाला बहुत ज़्यादा बिंदास डिस्ट्रैक्ट था एक्चुअली। मतलब डिस्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कभी भी नाम नहीं लेता है कि ये डिस्ट्रैक्ट किसके ऊपर है, वो सिर्फ और बातों से या फिर लिरिक्स को एक शब्द को उठा के उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग से ही एमएसओ का नाम लिया गया था, मतलब सबको पता चला कि ये एमएसओ के ऊपर ही है, अगर नहीं भी ले तो भी पता चल जाएगा, बिकॉज सीधा टेक ओवर सीधा मेक ओवर, सो ये बहुत ही सिमिलर शब्द है इसलिए, बट ये बहुत ही यू नो लाइक एकदम कड़क कहते हैं ना उस टाइप का डिस्ट्रैक्ट है एक्चुअली। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सबसे बेस्ट डिस्ट्रैक्ट है बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली बात की गई है, मतलब ये जो डिस्ट्रैक्ट का जो ट्रेंड होता है ना उसमें क्या होता है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट किसी को किसी के ऊपर भी डिस्ट्रैक्ट बनाते हो एक्चुअली, किसी को डिस करते हो एक्चुअली,
तो वो लाइव में होता है एक्चुअली, मतलब फॉरेन कंट्रीज में वो लाइव होता है, लाइव में दो लोग सामने खड़े होते हैं और डिस्ट्रक्ट डायरेक्टली लाइव में करते हैं, तो वो एक अलग ही मतलब माहौल होगा उस वक्त। लेकिन यहाँ इंडिया में हम लोग ऐसे ट्रैक बना बना के डिस करते हैं लोगों को, एंड लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे नाम नहीं लिया जा रहा, यहाँ पर नाम लिया गया है तो मतलब इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है, बिकॉज और सब बहुत अमेजिंग थे। मतलब अगर हम सिर्फ डिस ट्रैक पर ध्यान दें तो मतलब ये एमयू सर के डिस ट्रैक डिस सॉन्ग से ये थोड़ा हाई पे था एक्चुअली, एंड अमेजिंग एक्चुअली, बहुत अमेजिंग। मतलब एक्चुअली सच कहा जाए तो हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, मतलब आप लिल गुरु को ले लो या फिर इन्हें ले लो, कृष्णा को ले लो या फिर एमयू सर को ले लो, डिवाइन को ले लो, सबके सॉन्ग इतने अमेजिंग होते हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल पे ऊपर है, सभी लोग का खुद का एक अलग ही फ्लो है, खुद का एक अलग ही यू नो लाइक अगर हम एम एस की बात करें तो वो उनका एंटोफिल वाला उनका शब्द होता है, उनके जितने भी लिरिक्स होते हैं, वो डिवाइन सर का लिरिक्स तो उनका भी अलग ही डायरेक्शन हो जाता है। फिर लिल गुरु का तो मतलब बहुत ही अमेजिंग जंगल है, वो सॉन्ग बहुत ही ग्रेट सॉन्ग है एक्चुअली, मैंने उनका सिर्फ एक सॉन्ग सुना है जंगल है, और वो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है एक्चुअली। और मुझे ये पता चला कि हनी सिंह सर के जो भी जितने भी सॉन्ग थे उन्होंने उतना उनके साथ उनके राइट भी किया है, तो ही समय सिंह मतलब सभी लोग बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम डिस ट्रैक को छोड़ के अगर सिर्फ सॉन्ग देखें ना तो सभी लोग बहुत ही अमेजिंग है एक्चुअली हमारे इंडिया में, इससे सारा इंडिया का टैलेंट है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम लोग एक दूसरे को ये सब डिस ट्रैक बना रहे हैं, लेकिन अगर डिस ट्रैक ऐसा कुछ होता ही नहीं तो फिर ये सभी लोग कहाँ पे कहाँ होते हैं। हम लोग मतलब अभी तक तो इंडिया बहुत आगे गई होती है अगर रैप में सभी लोग साथ में होते, रफ्तार सर, एम ए सर एंड कृष्णा, मतलब कुछ अलग ही माहौल था। लेकिन यहाँ पर डिस ट्रैक का माहौल चल रहा है, और इन दोनों इन सभी के अंदर लड़ाई में हम लोगों को अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिल रहा है एक्चुअली, ये एक एक बात है एक्चुअली यहाँ पर। सो सीधा मेकओवर ये सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग था, एंड थैंक यू वेरी मच, आप पाँचों ने इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी, बिकॉज ये एक्चुअली टेक ओवर से बहुत ही हाई था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब नहीं ऐसा ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहती, बिकॉज ये अच्छा है तो अच्छा है यू नो, एंड ये सच में बहुत ही अच्छा सॉन्ग था एक्चुअली, बहुत ही ग्रेट एंड अमेजिंग। तो ये एक बात है कि हमारे यहाँ पर एक्चुअली बहुत सा टैलेंट है, लेकिन क्या पब्लिसिटी नहीं हो पाती है और सबको पता नहीं है एक्चुअली। बाय द वे ये सभी लोग बहुत ही अमेजिंग है, सभी लोग एक दूसरे को टक्कर के लोग हैं एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग।